हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन प्लेन ओ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नॉट सिल्वर्ड। द इमेज क्रिएटेड बाय द सिस्टम इज दैट। ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सिस्टम। हियर द की कंसेप्ट इज की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा, हमें सबसे पहले एक चीज जान के रखना है। इक्विवेलेंट पावर जो होगा इस केस में, दैट इज पीएल प्लस पीएम। पीएल इज पावर ड्यू टू लेंस सिस्टम, देन पीएम मिरर, देन पीएल। हाउ डज इट हैपेंस? सी देखिए, यहां पर मान लीजिए एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, उसके एक साइड को सिल्वर कर दिया गया। अब रे ऑफ लाइट इट इज स्ट्राइकिंग हियर, इट विल बेंड, इट विल स्ट्राइक द मिरर, देन अगेन बेंड, रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस ऐसे आएगा। तो यहाँ लेंस को दो दो बार टकराया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और मिरर को एक बार टकराया, इसलिए लेंस का दो दो बार लिखे और पीएल पीएल और मिरर को एक बार। तो इक्विवेलेंट पावर जो होगा टू पीएल प्लस पीएम। आपका पी इक्विवेलेंट जो होगा, दैट इज देखो, पी इक्विवेलेंट आपका जो करेंगे यहाँ पर, दैट इज पी इक्विवेलेंट लेंस के केस में इट इज 1/FL, तो 2/FL लिखोगे, और मिरर के केस में -1/FL, तो पी इक्विवेलेंट 2/FL -1/FL। ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड है, पूरा सिस्टम विल बी डाइवर्जिंग नेचर, पूरा सिस्टम एक डाइवर्जिंग नेचर जैसा बिहेव करता है। मतलब पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1/F इक्विवेलेंट, मतलब एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर जैसा, इसलिए माइनस ऑफ इक्विवेलेंट, कॉनकेव मिरर से बिहेव करेगा पूरा सिस्टम। एंड दिस इज इक्वल टू 2/FL -1/FL। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल प्रोसीड फर्दर। हमारे क्वेश्चन में पी इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आया था, दैट वाज 2PL प्लस PM। पी इक्विवेलेंट की जगह -1/F इक्विवेलेंट, 2PL, PL होगा 1/FL, FL को F ले लेते हैं, और मिरर के केस में फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, 1/∞। तो -1/F इक्विवेलेंट, एनीथिंग बाय इंफिनिटी 0, और ये 2/F होगा। F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -F/2। F के जगह 15/2, 7.5 सेंटीमीटर। नाउ तो पूरा सिस्टम अब एक मिरर की तरह बिहेव किया, कॉनकेव मिरर, एफ इक्विवेलेंट जिसका निकलता है। सिंस इट पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो मिरर वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो 1/V, U होगा कितने डिस्टेंस पे रखा गया था, -20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस। और 1/F जो पूरे सिस्टम का आप निकाले, दैट इज -7.5। तो 1/V -7.5 को आप लिख सकते हो 2/15, और ये प्लस हो गया 20। 15 और 20 का एलसीएम है 60, -8 प्लस 3 -5/16। तो 1/V -12, इससे V इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा, कि लेफ्ट साइड होगा इमेज बनेगा। सो आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम। Hope you understand it well. All the best.